स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। होप सो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आप सब ठीक होंगे। खैर मिस इकरा अमानत स्टूडेंट, कल हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया था अदर लिविंग थिंग्स। अदर लिविंग थिंग्स में हमने फंजाई, बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट में से फंजाई की हाफ डिटेल पढ़ी थी। और फंजाई की डिटेल में हमने ये पढ़ा था कि फंजाई जो है वो प्लांट से मैच करती है या नहीं करती है। तो इसका रिजल्ट ये था कि फंजाई प्लांट से मैच नहीं करती और फंजाई का अपना एक सेपरेट किंगडम होता है। आज हम इसकी फर्दर डिटेल देखते हैं। कल हमने हाफ की थी, आज हम आगे नेक्स्ट जो है वो उससे कंप्लीट करते हैं। अच्छा, फर्दर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 47 है। हाउ एवर वन थिंग डैट फंजाई हैव इन कॉमन विद सम प्लांट इज डैट दे हैव स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन। प्लांट्स के साथ जो एक चीज़ कॉमन है वो ये है कि इसमें भी सुराख होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। Because they are unable to make their own food, fungi have to find their food. Fungi, because ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती ना बना सकती है, तो इसलिए इसे अपनी फूड फाइंड आउट करनी होती है। दे डू दिस, अब वो फंजाई ये किस तरह से करती हैं, बाय अटैचिंग देम सेल्स टू अदर लिविंग थिंग्स एंड लिविंग ऑफ देयर सेल्स। फंजाई खुराक हासिल करने के लिए क्या करती है कि दूसरी लिविंग थिंग्स के साथ अटैच हो जाती है और जहाँ पे वो पहले से लिव कर रही है वहाँ से क्या कर देती है, ऑफ कर देती है। सम फंजाई अटैच देमसेल्व्स टू एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। कुछ फंजाई जो होती है एनिमल्स के साथ भी अटैच होती है, ह्यूमंस को भी इंक्लूड करके। अब वो भी इस तरह से, इफ़ यू डू नॉट वॉश प्रॉपरली एंड फाइंड डैट योर बॉडी बिकम्स इची, इट मे बी बिकॉज अ फंगस इज ग्रोइंग ऑन यू। अगर आप प्रॉपरली खुद को वॉश नहीं करेंगे तो आप इच फील करेंगे और साथ में ये होगा कि ये इस बात की आइडेंटिफिकेशन होगी कि फंगल जो है वो आपकी बॉडी पे ग्रो करना शुरू कर दिया है। सम फंजाई अटैच देमसेल्व्स टू प्लांट्स, कुछ फंजाई प्लांट्स के साथ भी अटैच होती है। मशरूम एंड टॉडस्टूल्स आर एग्जांपल ऑफ फंजाई डैट डू दिस। इफ़ यू, ये एग्जांपल्स हैं मशरूम और टॉडस्टूल्स। If you see mushroom on a tree or around the base of a tree, अगर आप मशरूम को देखें ट्री के ऊपर या फिर उसकी बेस के ऊपर देखें, you will know that mushroom are getting their nourishment from the cells of that tree. आपको ये पता लगेगा कि मशरूम जो है वो वहाँ से नॉरिशमेंट मीन्स कि अपनी परवरिश पा रही है। अच्छा, इस तरह से जो फंजाई है वो ग्रो करती है और खुराक इस तरह से हासिल करती है, किसी भी बॉडी पार्ट के साथ अटैच हो जाती है जो के प्रॉपरली वॉश नहीं होता, उसके साथ अटैच होके ग्रो करना शुरू कर देती है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक टुवर्ड्स मूव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर एवरीवेयर, यू कैंट सी देम। बैक्टीरिया जो है वो हर जगह मौजूद होते हैं लेकिन हम इन्हें देख नहीं सकते। बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म डैट लिव ऑन एंड इन अदर लिविंग थिंग्स। बैक्टीरिया जो है वो साइज में इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि हम उन्हें कॉमनली नहीं देख सकते। हम उन्हें देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज़ करें तो हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं। मीन्स के बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। माइक्रोस्कोपिक मीन्स दे आर सो स्मॉल दे कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपिक मीन्स क्या है कि इतने छोटे होते हैं सिर्फ और सिर्फ हम इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग थिंग्स। बैक्टीरिया जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है लिविंग थिंग्स की जो के माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मौजूद होते हैं। दे ओनली हैव वन सेल, इनमें जस्ट वन सेल होता है। वन सेल का जो साइज़ है वो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर मैं यहाँ पे एक डॉट, ये डॉट लगा रही हूँ तो ये भी आपको कुछ विजिबल हो रहा है कि डॉट यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक डॉट वाइट शीट के ऊपर थोड़ी सी स्पेस पे एक डॉट जो है वो यहाँ पे लगाया तो आपको ये विजिबल है। लेकिन बैक्टीरिया का साइज़ इससे भी इतना स्मॉल होता है कि हम उसे देख ही नहीं सकते माइक्रोस्कोप के अलावा। दे ओनली हैव वन सेल, इन कंपेरिजन अ ह्यूमन इज मेड अप ऑफ ट्रिलियन सेल। हमारी जो बॉडी है, जो ह्यूमन की बात करें तो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है, जबकि बैक्टीरिया की जो कंसिस्टेंस है वो जस्ट क्या है, वन सेल है। तो इससे आपको सेल का ही थोड़ी बहुत साइज का अंदाज़ा हो चुका होगा। द रोल ऑफ बैक्टीरिया इज़ टू एक्ट एज डीकम्पोजर्स। जब बैक्टीरिया का रोल होता है वो डीकम्पोजर्स का मतलब क्या होता है, तोड़ फोड़ करना, किसी चीज़ को ख़राब करना, तबाह करना। दे ब्रेक डाउन, ये तोड़ फोड़ करते हैं, ब्रेक कर देते हैं द केमिकल्स एलिमेंट इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। दूसरे ऑर्गेनिजम्स में जो केमिकल्स मौजूद होते हैं, एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं। जर्म्स आर बैक्टीरिया, जितने भी जर्म्स होते हैं जरासीम, वो क्या है, बैक्टीरिया है।
अच्छा स्टूडेंट, ये इंट्रोडक्शन था और फर्दर हमने इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख ली बैक्टीरिया के बारे में कि इनका साइज़ जो है वो एक्सपेक्टेड कितना होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है कि हम इसको माइक्रोस्कोप के अलावा देख नहीं सकते, और इसके अलावा इनके जो कंसिस्टेंस है वो वन सेल के ऊपर मुश्तमिल होती है, और इनका रोल क्या होता है, चीज़ों को डिकम्पोज करना, ब्रेक डाउन करना एलिमेंट्स को, और इसकी जो एग्ज़ाम्पल वो क्या है, जर्म्स, जर्म्स जो हैं वो क्या है, बैक्टीरिया है। अच्छा स्टूडेंट्स, थैंक यू, होप्सो आपको समझ आ चुकी होगी बैक्टीरिया और फंजाई की, आपने फिर भी इसको अंडरस्टैंड करना है फर्दर इसकी रीडिंग करके। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।